वारदात के करीब 10 साल बाद कुंडा के डीसीपी जियाउल हक की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई मामले की दोबारा जांच करने कुंडा पहुंची है। नए सिरे से मामले में पूछताछ हो रही है और इस मामले में कुंडा के 7 बार के विधायक और भद्री स्टेट के राजकुमार राजा भैया पर भी शक की सुई घूम रही है। वैसे तो ज्यादातर सरकारों में राजा भैया की चलती रही, लेकिन इस बार खेल उतना आसान नहीं लगता है। कुंडा में मारे गए डीसीपी की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। देखिए खास पेशकश मुश्किल में राजा। यह माना जाता रहा है कि सत्ता किसी भी दल की हो, कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमेशा सत्ता के करीब रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया हो। अभी अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक मामले को लेकर राजा भैया चर्चा में ही थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने डिप्टी एसपी जियाउल हक हत्याकांड की दोबारा जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई इस हत्याकांड में राजा भैया की कथित भूमिका की जांच करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की पीठ ने 3 महीने में मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सीबीआई की टीम बुधवार को कुंडा के वलीपुर गांव में जांच के लिए पहुंची और घटना स्थल का देर रात तक मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जियाउल हक हत्याकांड की जांच करने के लिए सीबीआई प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है और बलीपुर के अलावा हरगिया थाने में सीबीआई पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा इसमें तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ के जिस गेस्ट हाउस में, इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई ठहरी हुई है और यहां पर जो तत्कालीन हरगिया के थाना अध्यक्ष थे उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में 2 मार्च 2013 को ड्यूटी पर तैनात डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई। दरअसल 2 मार्च की शाम प्रतापगढ़ के हतिगवा थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। गांव के तत्कालीन प्रधान नन्हे यादव की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो गांव में एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए कामतापाल के घर पहुंचे थे। बाइक से आए बदमाश प्रधान नन्हे यादव को गोली मार कर फरार हो गए। प्रधान के गुस्साए समर्थकों ने कामतापाल के घर में आग लगा दी थी। नन्हे यादव का शव बिना पोस्टमार्टम के घर लाए जाने की सूचना पर तत्कालीन सीओ जियाउल हक लाव लश्कर के साथ गांव पहुंचे, जहां भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। भीड़ के हमले से पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए फरार हो गए। उस वक्त तत्कालीन एसएचओ मनोज शुक्ला भी जियाउल हक के साथ थे, लेकिन वो भी जियाउल हक को अकेला छोड़कर भाग गए थे और जियाउल हक भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात यह है कि जब फैजाब यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे अम्बेडकर नगर में, ईद के एक दिन पहले उनका ट्रांसफर हो गया कुंडा में और वहाँ पर स्थान गांव को जला दिया गया था। उसके इंक्वायरी में उनको भेजा गया और इंक्वायरी करने में 40 आदमी राजा भैया के उसमें आ गए। उन्होंने बोल रहा था कि इन लोगों का नाम निकाल दीजिए। इन्होंने बोला कि जब इन लोगों का नाम निकल जाएगा तो कौन दोषी रहेगा। तो पहला कारण तो यही था। विवेचना के लिए पहुंची सीबीआई की टीम एक गेस्ट हाउस में मनोज शुक्ला से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मनोज शुक्ला तत्कालीन एसएचओ थे। जिस शख्स ने डीएसपी पर गोली चलाई वो कथित तौर पर राजा भैया का करीबी बताया गया था, जिसके बाद राजा भैया की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे। ये भी बताया गया कि जियाउल हक रेत खनन और कुछ दंगा मामलों की जांच कर रहे थे। कथित तौर पर ये भी आरोप लगे इसीलिए राजा भैया और उनके सहयोगी जियाउल हक को रास्ते से हटाना चाहते थे। आपको बता दें कि इस मामले में राजा भैया के साथ एमएलसी गोपाल समेत 5 लोग आरोपी हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, जिस दिन से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हाउस में हमने जो कहा, आप लोग के सामने प्रेस में हमने जो कहा, हमारा एक एक बयान वही है, वो कहीं से बदला नहीं है। हाँ ये जरूर है कि राजनीतिक इसको रंग दिया गया, कुछ लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन सच्चाई सब लोगों के सामने आनी है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। तमाम जांचों और लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बाद भी जब सीबीआई को कोई सुराग नहीं मिला तो उसने 2014 में इस केस को बंद कर दिया और जांच एजेंसी ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी थी। इसी दौरान सीओ जियाउल हक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते 27 सितम्बर को शीर्ष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए
एक बार फिर सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद सीबीआई की टीम फिर तहकीकात के लिए प्रतापगढ़ पहुंच गई। आंधी पानी पाथर तो ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसे भी आरोप या आक्षेप लगे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था, और कारण सिर्फ ये था कि वो घटनाएं कुंडा में हुई, लेकिन अंततः सब जांच में साफ हुआ। यह वही जियाउल हक का हत्याकांड है जिसके बाद तत्कालीन अखिलेश सरकार हिल गई थी। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्री आजम खान को पीड़ित परिवार के घर पहुंचना पड़ा था। राजा भैया ने अखिलेश से मिलकर अपना पक्ष रखा था और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, तभी से अखिलेश और राजा भैया के रिश्तों में दरार आ गई थी। अब दोबारा सीबीआई जांच के लिए प्रतापगढ़ पहुंची है। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम इस मामले में जल्द ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल अपनी पत्नी के साथ विवादों में फंसे हुए राजा भैया इस केस के खुलने के बाद एक बार फिर मुश्किलों में गिर सकते हैं। जांच से जो सीओ की बेवा परवीन आजाद है, उनकी पत्नी है, वह असंतुष्ट है और उन्होंने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से राजा भैया की जो संदिग्धता और संलिप्तता है उसकी जांच करने के लिए प्रतापगढ़ सीबीआई पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल जारी है। ब्रजेश मिश, न्यूज़ स्टेट, प्रतापगढ़।